जिज्ञासु मित्रों, अभिनंदन है आपका हमारे चैनल दिव्य सृजन स्पिरिचुअल में, और श्रीमद् भगवद गीता की चर्चा को आगे बढ़ाते हुए श्रीमद् भगवद गीता का 18वां अध्याय मोक्ष संन्यास योग नामक अध्याय। पिछले व्याख्यान में भी हमने इसके श्लोकों पर चर्चा सुनी, जिसमें कि हमने सुना किस प्रकार से भगवान कर्म योग का रहस्य बताते हैं और अर्जुन से कहते हैं कि अर्जुन तू मुझ में शरण ले ले, सर्वधर्मान प्रतिज्य मामेकम शरणम व्रज अहम त्वाम सर्व पापेभ्यो मोक्षयिष्यामि, कि मैं तेरे सारे पापों से तुझे मुक्त कर दूंगा, तुझे शोक रहित कर दूंगा, तू मुझ में शरण ले और मेरे इस उपदेश को मान जो मैंने तुझे यह उपदेश दिया है। अब उसी उपदेश की महिमा करते हुए, वह उपदेश क्या है? वह गीता का ही उपदेश है। इसे हम गीता का उपदेश कहते हैं, लेकिन श्री कृष्ण इसे अपना उपदेश बताकर, तत्व ज्ञान की चर्चा बताकर इसकी चर्चा करते हैं। 86वें श्लोक तक हमने देखा था, उसके आगे भगवान क्या कहते हैं अर्जुन से, कैसे इस उपदेश को समझना चाहिए, किस प्रकार से उसका वर्णन करते हैं, इसके महत्व के बारे में और किन लोगों से इसकी चर्चा होनी चाहिए उसके बारे में भी बताते हैं। तो आइए हम उसी पर आज चर्चा करते हैं। इदं ते ना तपस्यकाय ना भक्ताय कदाचन न चाशुश्रुष्यवे वाच्यम न च माम यो अभ्यसूयति। अर्थात तुझे यह जो उपदेश, जो रहस्यमय उपदेश मैंने दिया है, किसी भी काल में न तो तप रहित मनुष्य को कहना चाहिए, जो तप रहित नहीं है अर्थात तप युक्त नहीं है, निरंतर ध्यान साधना का अभ्यास नहीं करता है, अपने जीवन में संयम नहीं बरतता है, वही तप रहित है। तो तप रहित मनुष्य को किसी भी काल में न तो तप रहित मनुष्य को कहना चाहिए, न भक्ति रहित, जो भक्ति से भी रहित है, तप से भी रहित है, योग से भी रहित है, ऐसे व्यक्ति को नहीं कहना चाहिए, और ना बिना सुनने की इच्छा वाले से, जो सुनने की इच्छा नहीं रखते, जो इस ज्ञान की और जिनकी कोई जिज्ञासा नहीं है, जो नहीं जानना चाहते, जो नहीं समझना चाहते हैं, जो संसार में लिप्त रहना चाहते हैं, जो सोचते हैं कि बहुत धन वैभव इकट्ठा करके बड़े सुखी हो जाएंगे, जो इस तरह की माया में जिनका मन भ्रमित है, जब तक उनके जीवन में दुख नहीं आएगा, जब तक पलटवार नहीं होगा, तब तक उनकी बुद्धि खुलने वाली नहीं है, अर्थात प्रकृति का पलटवार, प्रकृति सबको बराबर बराबर करती है, तो इसी कारण से बराबर बराबर करने के इस सिद्धांत के कारण प्रकृति सुख और दुख जीवन में लगा रहता है, आता रहता है, तो यह प्रकृति का तीन गुणों का संतुलन बनाए रखने के लिए ऐसा होता रहता है। वो नहीं समझते, वो नहीं जानते जो तत्व ज्ञान की ओर आगे नहीं बढ़ रहे हैं, जो भक्ति के विषय से दूर हैं, जो तप रहित हैं, भक्ति रहित हैं, जो ना ही इच्छुक हैं इन सब विषयों को जानने में, बिल्कुल उन्हें कोई मतलब नहीं है, जैसे कि वो संपूर्ण भोगों को प्राप्त कर लेंगे अपनी ताकत से, अपनी दौलत से, ऐसे भ्रम में अपना जीवन में, जैसे दुर्योधन को लगता है कि वो अपनी बुद्धि से, छल कपट से, अपनी ताकत से सब कुछ प्राप्त कर लेगा, ऐसे भ्रम में वह रहता है। तो ऐसे भ्रम में रहने वाले व्यक्ति को और तप रहित, भक्ति रहित व्यक्ति को, जो सुनने की इच्छा है, क्योंकि भ्रम के कारण वो तुम्हारे बातों को सुनेगा नहीं और इसका सम्मान नहीं करेगा, इसी कारण से, क्योंकि प्रत्येक वस्तु की अपनी एक मर्यादा होती है। हम भोजन करते हैं तो हमारे भोजन करने की भी एक मर्यादा होती है, तो हम भोजन मर्यादा में करते हैं, कैसे हम भोजन करें, किस प्रकार से हम भोजन करें, यह हमें विचार करना पड़ता है, और हम किसी ऐसे स्थान पर जहाँ पर मर्यादा में रहकर हम भोजन करते हैं। इसी प्रकार से प्रत्येक विषय का अपनी एक मर्यादा होती है, तो उसी कारण से भगवान यहाँ पे कह रहे हैं कि ऐसे ही किसी को नहीं बता देना चाहिए। यह इमं परमं गुह्य मद भक्तेश्व भिदास्यति भक्ति मई पराम कृत्वा मामे वैश्यस्ते संशय, मामे वैश्यत्य संशय। जो पुरुष मुझमें परम प्रेम करके इस परम रहस्ययुक्त उपदेश को मेरे भक्तों में कहेगा, वह मुझको ही प्राप्त होगा, इसमें कोई संदेह नहीं। जो परम भक्ति से, जो पूरी श्रद्धा से इस उपदेश को मेरे ही भक्तों में कहेगा, वह मुझे ही प्राप्त होगा, वह मोक्ष को प्राप्त होगा, वह कल्याण को प्राप्त होगा, इसमें तनिक भी संशय नहीं रखना चाहिए। भगवान के
कहने का यहाँ तात्पर्य है। अब भगवान कहते हैं कि क्योंकि इसका प्रचार करना, लेकिन प्रचार करते समय भी इन उपदेशों को किसी को बताते और समझाते समय भी पहले तो पूरा उपदेश समझ में आ जाए। आजकल तो किसी को बताना तो छोड़ दीजिए, आदमी तो गीता का एक श्लोक रट ले और एक श्लोक पढ़ ले और कहीं से उसे कुछ पता चल जाए तो वो सुनाना शुरू कर देता है। कम से कम एक बार पूरी गीता तो पढ़ो, ईमानदारी से पढ़ो, ईमानदारी से अध्ययन करो। नहीं कर सकते तो हमारे चैनल पर पूरी हर श्लोक पर चर्चा है। सिर्फ प्रथम श्लोक के हर श्लोक पर चर्चा नहीं, क्योंकि वो परिवेश है, लेकिन अब हम जो है प्रथम श्लोक का भी पूरा एक वीडियो बनाने वाले हैं, प्रथम अध्याय का अर्जुन विषाद, क्योंकि वो परिवेश को बताता है कि गीता किस परिवेश में कृष्ण अर्जुन को उपदेश दे रहे हैं। लेकिन उपदेश का प्रारंभ दूसरे अध्याय से शुरू है, सांख्य योग नामक दूसरे अध्याय से उपदेश का प्रारंभ शुरू हो जाता है। तो उपदेश वहां से शुरू होता है। तो उपदेश क्या है उसको पहले पूरा जान तो लो, कहीं से भी कोई श्लोक उठाकर उसका अपनी भावना से, अपनी सुविधा के अनुसार, अपने अर्थ के अनुसार उसका अर्थ निकालना, उसका टीका करना उचित नहीं है। परिवेश को समझते हुए ही गीता के अर्थ को भी समझना चाहिए, नहीं तो फिर वही होगा, सर्वधर्मान परित्यज्य कहकर आपको कह देगा कि सर्वधर्मान, गुरु जी ने शिष्य को समझा दिया कि सर्वधर्मान परित्यज्य मामेकम शरणम व्रज। शिष्य ने कहा कि भाई गीता में जब लिखा है तो मुझे तो मानना ही चाहिए। शिष्य ने कभी ये इच्छा नहीं की कि मैं जाकर स्वयं गीता का अध्ययन करूं और देखूं, लिखा है संस्कृत में, बोला है, लिखा है, बस उसके लिए इतना काफ़ी है। लेकिन किस तरह से लिखा गया है, किस माहौल में लिखा गया है, किस तर्कों के साथ लिखा गया है और किस परिवेश में लिखा गया है, यह जानने के शिष्य ने कोई प्रयास नहीं किया। और वह जो है फिर वही दुर्घटनाएं फिर घटती हैं। सर्वधर्मान परित्यज्य मामेकम शरणम व्रज का क्या तात्पर्य हमने पिछले व्याख्यान में बताया है, उसे आप सुन सकते हैं। तो इसीलिए गीता का उपदेश अनायास ही अयोग्य व्यक्ति को नहीं देना चाहिए और आधा अधूरा भी नहीं देना चाहिए। आधा अधूरा देना तो सबसे बड़ा पाप है। दो ही मत इससे बढ़िया, या तो खुद जान लो कि गीता के कौन से श्लोक में, कौन से अध्याय में किस तरह की चर्चा चल रही है, अन्यथा गीता पर प्रवचन देना बंद कर दो। ठीक है, ये कहीं से कुछ भी उठाया बोल गए तो यह नहीं होना चाहिए। और इसी को समझकर हमें गीता शास्त्र का उपदेश किसी भक्त को करना चाहिए, किसी जिज्ञासु को करना चाहिए, अन्यथा इसका दुरुपयोग भी हो सकता है और लोग दुरुपयोग करते भी। फिल्मों में आप देख लो गीता का श्लोक यूज़ होता है, बिल्कुल दुरुपयोग के रूप में होता है। ठीक है, अचानक से गीता का श्लोक कहीं पर किसी एक्टर ने बोल दिया, कहीं बैकग्राउंड में गीता का श्लोक डाल दिया गया और बहुत ही गलत सिचुएशन में, गलत जगह पर, जिससे कि गीता का अपना आशय भी स्पष्ट नहीं हो रहा। गीता में ये लिखा है, वो लिखा है, गीता एक व्यवस्थित शास्त्र है, दुर्व्यवस्थित नहीं कि कहीं भी कोई भी बात लिख दी गई है, एक सीक्वेंस में चल रहा है। अर्जुन के क्वेश्चंस हैं, कृष्ण समझा रहे हैं, उत्तर हैं। ठीक है, तो इसीलिए कहीं भी कुछ भी नहीं लिख दिया गया, इसलिए कहीं भी कैसे भी श्लोकों का प्रयोग नहीं हो सकता है। जब आप श्लोक का प्रयोग करते हैं किसी को समझाने के लिए तो उसका अर्थ, उसकी टीका, गीता का नाम लेकर अगर आप करते हैं तो उसके परिवेश को भी बताना चाहिए, किस परिवेश में भगवान ये बात कह रहे हैं, क्योंकि अर्थ परिवेश के अनुसार निकलेगा। मैंने पीछे भी स्वधर्म परधर्म वाला जो श्लोक है उसके लिए मैंने कहा, लोगों ने कहा स्वधर्म ईश्वरीय धर्म, परधर्म हमारे बाहरी धर्म जो है उसके लिए कहा जा रहा है, आंतरिक धर्म, जबकि भगवान वहां पर जो चर्चा कर रहे हैं चार वर्णों की, उसके संदर्भ में स्वधर्म परधर्म की चर्चा उन्होंने की है और अर्जुन को समझाया कि तू अपने स्वभाव गुण के अनुसार ही तेरा धर्म है और उसी के अनुकूल तुझे बरतना चाहिए, तुझे अपना कर्तव्य पालना करनी चाहिए। इसीलिए गीता को समझाना, गीता महत्वपूर्ण विषय है। भगवान यहाँ पर सजग कर रहे हैं कि बिना पूरा जाने अयोग्य व्यक्ति को, तप रहित, भक्ति रहित, जो जिज्ञासु नहीं है, मुमुक्षु नहीं है, ऐसे व्यक्ति को गीता का उपदेश नहीं करना चाहिए और ना ही उस व्यक्ति को सुनाना चाहिए। और जो प्रचार करता है इसका, मैं उससे बड़ा प्रसन्न होता हूँ, लेकिन प्रचार भी सही ढंग से करे, पूरा विषय को जाने समझे उसके बाद करे। न च तस्मान मनुष्येषु कश्चिन में प्रिय कृतम भविता, न च में तस्माद्दन्य प्रियतरो भुवि। अर्थात
उससे बढ़कर मेरा प्रिय कार्य करने वाला मनुष्य कोई भी नहीं, तथा पृथ्वी भर उससे बढ़कर मेरा प्रिय दूसरा कोई भविष्य में भी नहीं जो इस गीता के उपदेश का प्रचार करता है, क्योंकि गीता का उपदेश ब्रह्म विद्या है, योग शास्त्र है, मोक्ष का मार्ग है। यह मोक्ष का मार्ग हमें दिखाता है, कैवल्य का मार्ग दिखाता है, यह कर्म का मार्ग दिखाता है, निष्काम कर्म योग का मार्ग दिखाता है, यह ज्ञान योग का मार्ग दिखाता है, यह भक्ति योग का मार्ग दिखाता है, इसीलिए यह ध्यान योग का मार्ग दिखाता है। ध्यान कैसे करना चाहिए, मेडिटेशन में कैसे बैठना चाहिए, ध्यान कैसे करना चाहिए, अंतर्मुखी साधना कैसे हो सके, इन सब विषयों का यह मार्ग दिखाता है। इसीलिए इसका प्रचार करने वाला, इसका संदेश किसी को पहुंचाने वाला वह व्यक्ति मुझे प्रिय है और भविष्य में भी मुझे प्रिय रहेगा। अध्येष्यते चयह इमं धर्मियं संवाद मावयो ज्ञान यज्ञेन तेनाहमिष्ठ स्यामीति मे मति हे। जो पुरुष इस धर्म में हम दोनों के संवाद रूप को पढ़ेगा, जानेगा, उसके द्वारा भी मैं ज्ञान यज्ञ से पूजित होऊंगा, ऐसा मेरा मत है। जो ज्ञान दृष्टि से, जो ज्ञान की भावना से, जिज्ञासा से इसको पढ़ेगा, समझेगा और जानकर तत्वज्ञानी बनकर दूसरों को इसका उपदेश करेगा सही सही, स्वयं वो अंतर्मुखी होना जानते हो, मात्र थ्योरी नहीं, प्रैक्टिकल प्रैक्टिकल भी वो जानता हो, क्योंकि गीता का उपदेश ऐसा है कि थ्योरी से पूरा नहीं होता। भगवान ने ध्यान में कैसे बैठना है, आत्मसंयम कैसे करना है, ये सारी चीज़ें भगवान ने बताई हैं। जो इसका अनुसरण नहीं करता और साथ में दिव्य चक्षु दिव्य दृष्टि साधना की बातें, आत्म अनुभूतियों की बातें हैं, निर्गुण सगुण भक्ति की बातें हैं भक्ति योग नामक 12वें अध्याय में, तो इन सब में जो बातें हैं, जो इसका अनुसरण नहीं करता, जीवन में प्रैक्टिकली लागू नहीं करता, उस व्यक्ति के लिए गीता नहीं है। वह गीता को नहीं समझ पाएगा, जैसे धृतराष्ट्र को कुछ भी समझ में नहीं आया। ठीक है, धृतराष्ट्र को कुछ भी समझ में नहीं, आगे हम इस व्याख्यान पर आएंगे कि धृतराष्ट्र को क्या समझ में आया, क्या नहीं समझ में आया। तो इस प्रकार से इस धर्म में हम दोनों के संवाद रूप को जो कहेगा वो ज्ञान यज्ञ के समान ही है, अगर इसका प्रैक्टिकल भी किया जाए तब ज्ञान यज्ञ के समान है। श्रद्धावान न सुयश्य श्नुयादपि यो नरः सो अपि मुक्त शुभान लोकान प्राप्त नु यात पुण्य कर्माणम। जो मनुष्य श्रद्धा युक्त दोष दृष्टि से रहित होकर इस संपूर्ण गीता शास्त्र, अर्थात जो भी मैं हमारे तुम्हारा संवाद में जो उपदेश हुए हैं उन संपूर्ण उपदेश को श्रवण भी करेगा, वह भी पापों से मुक्त होकर उत्तम कर्म करने वालों के श्रेष्ठ लोकों को प्राप्त होगा, क्योंकि ऐसा श्रवण करने से उसके कई जन्मों से और पिछले समय में भूतकाल में जो किए हुए आसक्ति रूपी कर्म हैं उनमें भी बदलाव आ जाएगा। वो आत्मचिंतन करेगा, जो भी इसको पढ़ेगा वो आत्मचिंतन करना शुरू कर देगा कि भाई मैं कितना सही हूँ, कितना गलत हूँ, मैं निष्काम कर्म करता हूँ, नहीं करता हूँ, मैं योग के मार्ग पर हूँ, नहीं हूँ, ये सारी बातें उसको जानकारी मिल जाएगी तो वह पाप मुक्त होने लग जाता है, जो भी इसको सुनता है, इसका श्रवण करता है। तो यह बहुत ही विशेष विषय है जिस पर हमें जो हमें समझना चाहिए श्रीमद् भगवद् गीता के विषय में। ठीक, तो यही है और इसी को समझाते हुए भगवान कहते हैं कि अब तू बता कि मैंने तुझे इतना समझाया, इतना संवाद हुआ, तूने क्या समझा, मोह नष्ट हुआ नहीं हुआ, कैसे हुआ, इन सब की चर्चा हम अगले व्याख्यान में श्रवण करते हैं। जुड़े रहें, बने रहें, चैनल को सब्सक्राइब कर दें, शेयर भी कर दें, ताकि गीता का जो मर्म है, सत्य है, वो सब तक पहुँच सके। बहुत बहुत धन्यवाद।